ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द 37th नेशनल गेम्स बीइंग हेल्ड इन गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। मंगलवार को दिन भर धूप छांव का खेल चला, जो शाम को बारिश में तब्दील हो गया। एथलेटिक्स और कुछ दूसरी स्पर्धाएं इस बरसात से प्रभावित हुईं। वैसे बारिश बिना गोवा की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ के लैंडस्केप को ये बारिश ही तो हरे रंग से रंगती है। उम्मीद करते हैं कि आज सूरज गोवा के आकाश में फिर दमकेगा और खिलाड़ियों को अपनी तरह ऊर्जा और ऊष्मा से भर देगा, तभी तो वे गोवा में कह पाएंगे। प्रस्तुत है मंगलवार को 37वें राष्ट्रीय खेलों में हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। महेंद्र सिंह लालस का नमस्कार। एथलेटिक्स स्पर्धाओं में क्या कुछ हुआ, ये बता रहे हैं तिमजिन तिबा के साथ नितिश अरोड़ा। मंगलवार को एथलेटिक्स स्पर्धाओं का तीसरा दिन था और दांव पर थे कुल 6 स्वर्ण पदक। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले रेस, प्रत्युषा चिल्लमी, मधु कविता रेड्डी, भवानी यादव और ज्योति यर्राजे, जिन्होंने एंकर रेक भागा, स्वर्ण पदक जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने। ज्योति तो बहुत आसानी से जीत लिया। मैंने बोला था मेरे टीम को, टेंशन मत लो, टेंशन लिया तो बैटिंग कुछ भी हो सकते, हमारे बेस्ट हम भाग लेंगे तो रिजल्ट देखते क्या होगा। मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, मेरे जूनियर्स को मैं वही बोल रही हूँ, तो मैं भी, मेरा वर्ड का हेल्प होगा। 45.61 के टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने। और फिर इसी स्पर्धा की पुरुषों की रेस में पहले स्थान पर आई है तमिलनाडु की टीम, जिन्होंने समय निकाला है 40.15 सेकंड्स। ओडिशा की टीम नंबर 2 पर आई है 40.13 सेकंड्स के साथ। हमने एंकर लेग भागते हुए उनके खिलाड़ी से बात की। अमिया, सिल्वर के लिए कांग्रेचुलेशंस आपको, क्या लगता है आपको कहां पर कमी रहेगी? मुझे लगता है क्लाइमेट एक बड़ा चैलेंज था और बारिश होने के बाद हम लोगों को काफी वेट करना पड़ा, पंप अप नहीं हो पा रहा था। वी हैव अ यंग टीम, प्रोबेबली विल बी डूइंग वेल इन कमिंग डेज। टारगेट वाज फॉर द नेशनल रिकॉर्ड। ओडिशा की टीम नेशनल रिकॉर्ड नया बनाना चाहती थी, यंग टीम है और अभी भी उनके दिमाग में यह है कि आने वाले समय में ओडिशा जरूर अच्छा करेगा और राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। दो दिन से चल रहे 10 विभिन्न खेलों पर आधारित डेकैथलन के मुकाबले भी संपन्न हुए। दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत हासिल की हांगझोउ एशियन खेलों में रजत पदक जीतने वाले दिल्ली के तेजस्विन शंकर ने। बहुत अच्छा था सर, आई मीन स्पेशली फॉर मी आफ्टर द एशियन गेम्स, यू नो माय सीजन वाज ओवर, सीजन मेरा खत्म हो चुका था, लेकिन आइडिया यही था कि नेशनल गेम्स में आएंगे, थोड़ा नेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ भी मतलब घुलना मिलना होगा और उनके साथ खेलना होगा और थोड़ा सा उनसे मैं सीख पाऊंगा, वो मुझसे थोड़ा सीख पाएंगे, तो आइडिया इसलिए मैंने सोचा कि चलो खेल लेते हैं नेशनल गेम, बाकी कोई इसके लिए ना तैयारी थी ना कोई प्लानिंग थी, ऐसा कुछ था नहीं। महिलाओं की जेवलिन थ्रो में स्वर्ण और रजत हरियाणा की शिल्पा रानी और प्रियंका सिंह ने जीते। केरला की एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में 6.53 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण और केरला की ही नयना जेम्स ने 6.52 मीटर की कूद लगाकर रजत जीता। बारिश से लगभग 1.5 घंटा बाधित होने के कारण अंतिम मुकाबला पुरुषों की पोल वॉल्ट रात 10:30 पर समाप्त हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के देव मीना ने 5.16 मीटर कूदकर स्वर्ण जीता। एक्वेटिक्स के मुकाबलों का जायजा ले रहे हैं विवेकवान खेड़े। ऑन द थर्ड डे ऑफ एक्वेटिक्स एट कैंपल स्विमिंग पूल पंजिम, वेरियस फाइनल्स इन स्विमिंग एंड डाइविंग अलॉन्ग विद लीग मैचेस इन वाटर पोलो वर हेल्ड। In 10-meter high boat diving men, Ning Thaujam Wilson Singh from Services won gold with a final score of 302.60. Services won silver and Maharashtra was on the third position. Ning Thaujam. Actual में 6 dive होते हैं, उनमें से पहला वाला और जो 6 वाला सबसे difficult था, तो वो दोनों ही ज़्यादा focus करने का कोशिश किया मैंने और बाकी सब भी अच्छा गया, पर last वाला थोड़ा सा distract हुआ था mind. In water polo league matches, women, Maharashtra and Karnataka won, and in men category, Maharashtra and Kerala won. In swimming, in 400 meters individual medley men, Sohan Ganguly from Karnataka bagged gold with a new games record of 4:28.09. Madhya Pradesh won silver, Kerala ranked third. In 400 meters individual medley female, Lakshya S from Karnataka won gold with a finish time of 5:12.27. Karnataka again won silver, host Goa was at the third position. Lakshya. My experience has been really great. My graph is going really well through the year. Hoping to do something for the country, like to go to the Olympics. In 50-meter freestyle men, Vidwal Khare from Maharashtra won gold with a finish time of 22.82. Karnataka won silver and Maharashtra also won the bronze. In 50-meter freestyle women, Rujuta Khare from Maharashtra won gold with a new games record of 26.42. Assam stood second, winning the silver. West Bengal bagged bronze. In
200 meter backstroke men, Nitik Nathela from Tamil Nadu won gold with a new games record of 2 minutes 3.32 seconds. Silver and bronze was backed by Maharashtra. Nitik Nathela. Racing with the Advait Pagaya and my competitors, and who holds the Indian best, Ms. Advait Pagaya. So it was pretty good, and it was my first national games, so it was pretty difficult for me to swim these races after completing my BRICS games in South Africa held last week. In 200 meter backstroke women, Palak Joshi from Maharashtra won gold with a finish time of 2 minutes 22.12 seconds. Palak Joshi wasn't feeling well on the previous day of the competition, but still this 17 year old teen from Maharashtra managed to bag the gold. Mahila aur Purush dono vargon ke hockey ke matches khele ja rahe hain. विस्तृत ब्यौरा लेकर आ रहे हैं शिबू जॉर्ज। हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल महिला वर्ग में तमिलनाडु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश ने उन्हें 4-0 से हराया। पूल बी के एक मैच में पंजाब ने कर्नाटक पर शुरू से दबाव बनाते हुए 4-1 से जीत दर्ज की। पंजाब की कप्तान योगिता बाली। हमने ये सोचा था कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्ड करेंगे, जो हम सोच के आए थे 70% वो रिजल्ट रहा। उधर महाराष्ट्र और मेजबान गोवा के बीच मैच टक्कर का रहा। पहले क्वार्टर में 2 गोल की बढ़त लेने के बावजूद महाराष्ट्र ने संभल कर खेला और मैच 2-1 से अपने नाम किया। महाराष्ट्र कैप्टन अक्षिता। हमारा बस यही था कि लीड हमें कंटिन्यू रखना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना है। पुरुषों के मुकाबले में तमिलनाडु ने मेजबान गोवा को 6-3 से हराया, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा और हरियाणा के बीच रोमांचक मुकाबला रहा। 1-4 से पिछड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने शानदार वापसी करते हुए 4-4 की बराबरी हासिल कर ली, और ठीक इसी प्रकार ओडिशा ने 1-3 से पिछड़ने के बाद अंतिम क्वार्टर के शानदार खेल के बदौलत हरियाणा के खिलाफ 3-3 से मैच बराबर कर लिया। ओडिशा के कप्तान अमित रोहिदास। 3-1 से लूज कर रहे थे हम लोग, लास्ट क्वार्टर में हमने ड्रॉ किया, जो भी नेक्स्ट मैच हमारा है उसको अच्छे से करेंगे। फुटबॉल के दीवाने इस राज्य में पुरुष और महिला फुटबॉल के साथ बीच फुटबॉल के मुकाबले भी चल रहे हैं। सबसे पहले पुरुष वर्ग में मंगलवार को क्या कुछ हुआ जानते हैं SB वेंकटराम से। ऑन द सेकंड डे ऑफ द मेंस फुटबॉल कंपटीशन इन द ग्रुप बी फिक्चर महाराष्ट्र रैलीड स्ट्रांगली फ्रॉम 0-2 बिहाइंड केरला टू इक्वलाइज 2 गोल्स। एट हाफ टाइम केरला वेर कंफर्टेबली प्लेस 2-0 व्हेन महाराष्ट्रस यश शुक्ला स्कोरिंग द ऑल इंपॉर्टेंट इक्वलाइजर इन द 84th मिनट टू शेयर द हॉनर्स विद केरला। निखिल कदम महाराष्ट्र कैप्टन। हमारा गलती से वो लोग गोल किया था, लेकिन कोच ने बोला जैसा हाफ टाइम में वो लोग हम लोग ग्राउंड में किया, इसलिए हम लोग जो 2-0 था उसे 2-2 किया। संजू जी कैप्टन ऑफ केरला टीम। फर्स्ट हाफ वी लीड बाय 2 गोल्स, सेकंड हाफ वी प्लेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स कम, दिस मैच वी विल इरेज दैट वन एंड वी विल बाउंस बैक। In the afternoon, Meghalaya took on Manipur, played under a cloud cover, giving a great relief to players and spectators around. At half-time, both were locked goalless. The second half saw Manipur taking lead in the 69th minute and stretched it to 2-0 in the 83rd minute. Meghalaya fought hard and could score 1 goal in the injury time. TM, Manipur captain. This is the first game, so always be a tough. It's a very important match. We are happy with the performance, but we have to improve more. For the next game. On Wednesday, Punjab will face services and Goa, Karnataka. महिला वर्ग के मुकाबलों पर एक नजर श्री कृष्ण की। तिलक मैदान स्टेडियम में ग्रुप ए के 2 मैच खेले गए। पहला मैच पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य खेला गया। दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पर लगातार आक्रमण किए, गोल करने के मौके भी मिले, लेकिन उतने गोल नहीं हो पा रहे थे। अंतिम परिणाम पश्चिम बंगाल के पक्ष में रहा। झारखंड ने 2 गोल दागे तो पश्चिम बंगाल ने 3 गोल दागकर विजय श्री हासिल की। पश्चिम बंगाल की कप्तान रत्ना हालदार। टीम बहुत अच्छा खेला और हम लोग का IFA बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को। जो जो गलती हुआ है हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस में रेक्टिफाई करेंगे, तो हम लोग प्रोसेस करूंगी जो अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये है पश्चिम बंगाल के कोच दीपांकर विश्वास। इन माई व्यू बंगाल गोवा केरला देर ऑल मदर, दिस इज बेसिक फुटबॉल, बेसिक जो स्किल होता है ना, दे हैव गॉट। तो ये इसी हिसाब से मैंने सोच लिया, अगर इन लोगों ठीक से गाइड कर गए दे विल डू समथिंग डिफरेंट। दूसरा रोमांचक और कांटे का मैच हुआ मणिपुर और तमिलनाडु के बीच। मध्यांतर तक दोनों ही टीमें गोल करने में असफल रहीं। हाफ टाइम के बाद स्थिति लगभग वैसी ही थी, अच्छे मूव भी बन रहे थे, कॉर्नर भी मिल रहे थे, लेकिन गोल नहीं हो पा रहे थे। पहला गोल किया मणिपुर की टीम ने मैच समाप्ति के ठीक 5 मिनट पहले, और 2 मिनट बाद ही एक और गोल करके मणिपुर ने तमिलनाडु पर 2-0 से अपनी जीत पक्की कर ली। ये हैं मणिपुर की खिलाड़ी मार्गरेट। ग्रेट ओपनिंग आई वुड लव टू से, एंड आवर हार्ड वर्क पे ऑफ टुडे, एंड इट्स अ अमेजिंग फीलिंग दैट वी स्टार्ट विद अ ग्रेट मार्जिन एंड एवरीथिंग, सो दैट्स इट। और अब चलते हैं बीच फुटबॉल का आनंद लेने मुबीन अहमद खान के साथ। गोवा के कोलवा बीच पर ये मुकाबले हुए। पहले सेमीफाइनल में केरल ने पंजाब को 11-3 से हराया, और दूसरे सेमीफाइनल में गोवा ने लक्षद्वीप को 7-5 से हराया। हमने बात की विजेता टीम के एक खिलाड़ी से। मेरा नाम प्रतीक अंगोनकर है। यूजुअली हम लोग, हमारा गेम जो था वन साइडेड जा रहा था, हम लोग अपना पूरा एफर्ट डाल के लाइक हम ही स्कोर कर रहे थे, लाइक लास्ट 3 मैचेस वी वर लीडिंग, सो लाइक
हम लोग उनको बहुत स्कोर से हराया था उन लोगों को, पर आज का लाइक वो लोग भी बहुत अच्छा खेला, सर ने हमको फिटनेस दिया था, उसके फिटनेस की वजह से हम लोग अब इधर जीत गए हैं। आज बीच फुटबॉल के फाइनल्स खेले जाएंगे। 37वीं राष्ट्रीय खेलों में लॉन टेनिस में मंगलवार को क्या कुछ हुआ बता रहे हैं उत्कर्ष मराठे। वैदेही चौधरी ऑफ गुजरात वाज अप अगेंस्ट अभया वेमुरी ऑफ तेलंगाना। वैदेही वॉन 6-1, 6-2। आफ्टर द मैच शी डिस्क्राइब्ड हर रिलेशन। इट वॉज गुड मैच, आई वॉन 6-1, 6-2। आई प्लेड वेल एंड आई डिड इट, आई वॉज जस्ट प्लेइंग माई गेम। इन द नेक्स्ट सेमीफाइनल साई शमिता फेस्ड वैष्णवी आडकर। वैष्णवी ट्रायम्फ्ड 6-4, 6-1। द स्टार्ट वॉज pretty like it was going pretty close, but then I just, you know, hung in there, played my game, and I was pretty solid and confident, and it worked out pretty well for me. Like international tennis player Ankita Raina was up against Rashmika Shrivalli of Tamil Nadu. Ankita is expected secured a convincing victory, 6-4, 6-1. We caught up with Ankita after the match. It was a straight win, two love win, and I'm feeling very proud today of my team, but very proud of myself. In men's semi-final, Manish Kumar sealed his victory 6-4, 2-6, 4-6 after a hard-fought battle against Karan Singh of Haryana. Manish Kumar talked with Akashwani. Glad to get the win today, and like I said, it's a team effort. The team helped me get through the match. Saubhagya Kumar Ratne bheji hai agli report rowing spardhaon par. On the penultimate day of rowing at Sapura River, the losing teams of previous day were given yet another chance to qualify for the finals. The battle of water was so steep that it was never easy to predict the winner. However, Sonali Swain of Odisha is confident of going back home with the yellow medal. तैयारी तो अपनी पूरी है, अपना 100% लगाएंगे, गोल्ड लेके ही जाएंगे यहाँ से। The 2000 Sydney Olympian Indrapal Singh emphasized on rest between major events. जितना कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है उतना ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं अपने कंट्री के लिए। जिसको अभी मेडल नहीं मिला वो और तैयारी करके आएगा। साइंटिफिक अप्रोच हेल्प्स एथलीट्स रिकवर फास्टर, सेज फिजियोथेरापिस्ट दीप्ति रानी। रोइंग में तो मेन इंजरीज जो है लो बैक, नी और शोल्डर है। स्मॉल इंजरीज है, नेक पेन है, रिस्ट पेन, एंकल पेन, रनिंग जिम सेशंस किया तो ये उनमें ज्यादा इंजरी होता है इंस्टेड ऑफ वाटर ट्रेनिंग में। वेडनेसडे मॉर्निंग ऑल 12 रोइंग फाइनल्स विल बी प्लेड। देश के सभी बड़े तीरंदाज इन राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे हैं। इनके और इनकी टीमों के प्रदर्शन के बारे में ज्यादा बता रहे हैं संजय व्यास। गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज फर्मागुड़ी में कल सुबह के सत्र में 2x70 meter रिकर्व तीरंदाजी के पुरुष और महिला वर्ग के क्वालिफाइंग राउंड हुए। पुरुष वर्ग में इस राउंड के टॉप स्कोरर और एशियाई खेलों में पदक विजेता टीम के सदस्य मृणाल चौहान। जो स्कोर मैंने मारा वो ज्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत हाई स्कोर जाता, पर यहाँ पे है कि थोड़ा विंडी कंडीशन है, पर तब भी कंट्रोल करके मैंने ठीक मार दिया। इसके बाद इंडियन कैटेगरी की तीरंदाजी में टीम और मिश्रित टीम एलिमिनेशन स्पर्धाएं हुई, जिसके बाद सेमीफाइनल में पहुंची टीमों में जबरदस्त और रोचक संघर्ष देखने को मिला। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में असम ने महाराष्ट्र को 5-3 से हराकर तथा हरियाणा ने भी छत्तीसगढ़ को 5-3 से ही हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी तरह महिला वर्ग के सेमीफाइनल में मणिपुर ने महाराष्ट्र को तो आसानी से 6-0 से मात दे दी, पर गुजरात और असम में मुकाबला टाई ब्रेकर पर आ गया। अंततः असम की टीम कल बेहतर साबित हुई और उसने गुजरात को 27-24 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। असम महिला टीम की सदस्य पल्लवी। टाई होने के बाद मैं थोड़ा डर गया था और मेरा बेटा का सहराया था गया 2 साल का, वो सोच के मारा, इसलिए हम लोग जीत गए। इसी प्रकार मिश्रित टीम वर्ग में असम ने राजस्थान को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो गुजरात ने फिर मणिपुर को वैसी ही टक्कर देते हुए मुकाबले को टाई ब्रेकर पर ला छोड़ा। पर कल की बेहतर टीम मणिपुर ही थी जो 15-14 से टाई ब्रेकर जीतकर फाइनल में प्रवेश पा गई। आज कई वर्गों में एलिमिनेशन मुकाबले खेले जाएंगे। शालिनी मित्तल से जानते हैं क्या कुछ हुआ टेबल टेनिस के इवेंट। टेबल टेनिस के प्रतियोगिता के तीसरे दिन मिक्स डबल्स, मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स के बेस्ट ऑफ 32 और मेंस सिंगल्स और विमेन्स सिंगल्स के बेस्ट ऑफ 64 के क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए। प्रातः 9 बजे से कैंपाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए टेबल टेनिस मिक्स डबल्स के मुकाबले में महाराष्ट्र ने पूरी तरह से अपना वर्चस्व सिद्ध किया और टॉप 8 में से 5 पोजीशंस पर कब्जा किया। शेष 3 पोजीशंस पर रही पश्चिम बंगाल की टीमें। आज का पूरा दिन क्वालिफाइंग मैचेस के नाम रहा। शेष इवेंट्स थे मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स, मेंस सिंगल्स और विमेन्स सिंगल्स। हमारे साथी तेंजन तीवा ने बात की कुछ प्लेयर्स से। माय नेम इज वन सिंगल, मैं तेलंगाना को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं अभी राउंड ऑफ 64 जीता हूं अपना गोवा के प्लेयर से। माय नेम इज ग्लैडलिन फ्लोरा, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। दिस इज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग नेशनल गेम्स। आई जस्ट नाउ कंप्लीटेड माय सिंगल्स मैच राउंड ऑफ 64 विद अ कर्नाटका प्लेयर। इट वाज अ क्रूशियल मैच एंड अ डिसाइडिंग मैच। इट वाज अ वेरी टफ गेम फॉर मी एंड एवरी पॉइंट वाज क्रूशियल। नेक्स्ट राउंड ऑफ
32 आई एम प्लेइंग विद टेक मी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आकाशवाणी के लिए सेपक टकराव को कवर कर रहे थे गेज ओमकार का। कल मंगलवार को फटोदरा मल्टीपर्पज स्टेडियम में सेपक टकराव खेलों का दूसरा दिन था। दर्शकों के जोशीले शोर में खिलाड़ी अपने हुनर की हर कलाबाजी दिखा रहे थे। यहाँ कोर्ट वन और कोर्ट टू में पुरुष और महिला की टीम के 12-12 सेपक टकराव रेगु खेले गए, मतलब पूरे 24 मैचेस। हर उछलते और थप्पे खाते गेंद के साथ समर्थकों की धड़कने भी बेकाबू हो रही थी। वही हर खिलाड़ी अपनी जीत हर तरह से सुनिश्चित करना चाह रहे थे। जब सुबह की पहली मैच में महिला वर्ग के मणिपुर की टीम ने बिहार की टीम को 3-0 से हराया तो मेरी नजर मणिपुर की टीम की कप्तान पर पड़ी, जो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, मैपा। मैं पहले सेपक टकराव अपने गांव के क्लब में खेले थे, उसके बाद हम साई सेंटर में महेंद्र सर के साथ खेल के हम इंटरनेशनल तक पहुंच गए। पुरुष वर्ग की पहली मैच में दिल्ली टीम ने यूपी की टीम को 2-1 से हराया और फिर से मेरी नजर सेपक टकराव के एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण पर पड़ी। सबसे फर्स्ट सब जूनियर नेशनल से स्टार्टिंग हुआ, वहाँ पर हमारा गोल्ड मेडल आया, उसके बाद जूनियर में भी चांस दिया, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला, सीनियर में चांस दिया, वहाँ पर हम सिल्वर मेडल से निकले थे, उसके बाद फिर इंटरनेशनल में मौका मिला मेरे को। एक बारी किंग्स कप खेले हम थाईलैंड में, उसमें हमें गोल्ड मेडल मिला रेगु इवेंट में। ताइक्वांडो की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट खुर्शीद अहमद की। Yesterday was the first day of taekwondo events of this national games. It was a full packed gallery in the Ponda Indoor Stadium located inside the Ponda Sports Complex. There are two categories, namely Kyorugi and Pumse, that has been played. In Kyorugi, the first gold medal was won by T. Vijaybhai Kakadia of Gujarat. In another category, that is under 54 male, Abhijit S. Topria of Maharashtra clinched a gold medal. Here is Abhijit. बहुत अच्छा लग रहा है, without support कुछ नहीं था, और सबसे पहले मतलब God, Jai Bajrangbali. In this category, silver medal was won by Niriman Rupam Kashyap of Assam. In the under 30 category of Pumse male, Laisram Dinku Singh of Services clinched a gold medal. बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ, मेरा third टाइम है नेशनल गेम्स। फर्स्ट मेरा नेशनल गेम 2011 में मेरा हैमस्ट्रिंग टियर हो गया था तो मैं फाइट नहीं खेल पाया था। 2015 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है केरला नेशनल गेम्स में, फिर उसके बाद ये मेरा थर्ड टाइम है। एक्चुअली मैं आज से 10 साल पहले मैं यहीं पे था, ये साई हॉस्टल इधर ही है, तो ये मेरा एक्चुअली होम ग्राउंड है। रोल बॉल ने गोवा राष्ट्रीय खेलों में प्रवेश पाया है, क्या कुछ घटा वहाँ, बता रहे हैं दीपांकर मिश्रा। मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में हो रहे रोल बॉल के पुरुष श्रेणी के मुकाबलों की बात करें तो पहला मुकाबला केरल ने गोवा को 9-7 से हराकर जीता। झारखंड ने राजस्थान को जहां 12-6 से हराया, वहीं एक अत्यंत ही रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने जम्मू और कश्मीर को 2 गोलों से पिछड़ने के बाद अंतिम समय में वापसी कर 10-8 से हराया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी गोविंद ने अंतिम कुछ मिनटों में उत्तर प्रदेश के आक्रमण पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी, हमारे कप्तान धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बताया कि हमको थोड़ा और एग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा, ऑफेंसिव होकर खेलना पड़ेगा। वहीं महिला श्रेणी में हुए मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को 6-4, झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 11-6, जम्मू और कश्मीर ने गोवा को 9-1 और दोबारा खेलते हुए उत्तर प्रदेश ने एक तरफा मुकाबले में मध्य प्रदेश को 13-0 से मात दी। रोल बॉल के लीग चरण के कुछ मुकाबले देर रात तक जारी रहे। प्रदर्शन के तौर पर पंजाब के लोकप्रिय खेल गतका को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। ज्यादा जानते हैं सुरेश कुमार से। सिख मार्शल आर्ट के इस खेल की शुरुआत छठवें गुरु हरगोविंद राय साहब के जमाने से मानी जाती है। इस प्रतियोगिता में टीम और एकल मुकाबले हुए। महिला और पुरुष मुकाबलों में 4 गोल्ड मेडलों के लिए मुकाबला होगा। आज हुए मुकाबलों से कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों की राह बनी। प्रतियोगिता के दौरान 2 गोल्ड मेडल महिला और पुरुष वर्ग के लिए गतका प्रदर्शन के लिए भी रखे गए हैं। एकल वर्ग में फरीसोटी प्रतियोगिता में विजेता विक्रमजीत सिंह। मैं पंजाब का सिंगल सोटी टीम का प्लेयर हूँ और हमारी टीम ने भी अपना बेस्ट दिया है। ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी जाती है पंजाब से कि वो बेस्ट करेंगे, पर हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम बेस्ट करें। परिसोटी प्रतियोगिता में विजेता चंडीगढ़ टीम के खिलाड़ी बहुत उत्साहित थी। मेरा नाम सुखमनजीत कौर है, मेरा इवेंट परिसोटी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक्स टू आवर कोचेस, ये दिन हिस्ट्री में जाएगा। और अब बारी पदक तालिका की। महाराष्ट्र है शीर्ष स्थान पर, 123 कुल पदक, 52 स्वर्ण, 35 रजत और 36 कांस्य पदक। सर्विसेज की टीम है दूसरे पायदान पर, 19 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक। हरियाणा की टीम है तीसरे स्थान पर, 18 स्वर्ण, 17 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ। मेजबान गोवा के पास है 30 पदक, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 22 कांस्य पदक। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे गोवा राष्ट्रीय खेलों के विस्तृत ब्यौरे के साथ। फिलहाल आकाशवाणी की पूरी सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के साथ महेंद्र सिंह लालस को इजाजत दीजिए, नमस्कार। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा।
अभी आप सुन रहे थे गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा इस रिपोर्ट को पणजी में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। That was a special report on the 37th National Games being held in Goa. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani in Panaji, Goa.